का मौसम देखिए कितना अच्छा किया हुआ दोस्तों, कितना सुहावना मौसम है। और वहाँ पे प्रीति जी भी प्याज तोड़ रही है, और देखिए प्रीति जी भी साग तोड़ रही है, भतुआ साग दोस्तों, इसको हम लोग स्पेशल खरथू साग भी बोलते हैं। और इसका आज भाजिया बनाने वाली है, खाने में बहुत अच्छा लगता है भतुआ साग। हेलो दोस्तों, स्वागत है नीतीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। दोस्तों हमारी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी सुबह का खाना खा के हम लोग धूप में बैठे हैं दोनों जन, और अभी धूप का आनंद ले रहे दोस्तों। बहुत ज़्यादा ठंड लगता है इधर, अभी कनकनी हवा चलता है सुबह। और दोस्तों अभी धूप निकला हुआ है, 10 बज चुका है तब, और अभी हम लोग जाएंगे दोस्तों बारी, और थोड़ा सा वहाँ पे काम है। क्या काम है जी? प्याज कोड़ना है, जो उस दिन रोपे थे तो वही कोड़ेंगे प्याज, और उसमें पानी भी देना है। प्याज कोड़ना है और पानी देना है ना। वाला कुदाल बड़ा वाला लेके जाएगी क्या? इतना बड़ा से थोड़ा, छोटा वाला कुदाल है, कुदाली है, वो मम्मी लेके गई है। मम्मी लेके गई है पहले? और हमको लगा इतना बड़ा कुदाल से कोड़ना है क्या। इतना से तो सब कोड़ा जाएगा, जितना भी प्याज है सब कोड़ा जाएगा। तो चलो चलते हैं ना, अभी धूप भी है अच्छा, तो भी काम करने में भी अच्छा लगेगा, और इसके बाद खाना भी भी, तोड़ना है, साग भी तोड़ के भी दोपहर का खाना भी बनाना है। तो चलो चलते हैं, काम करके आते हैं। दोस्तों पहुंच चुके हैं बारी, और देखिए उधर प्रीति जी प्याज कोड़ रही है। प्याज कोड़ने के बाद दोस्तों अभी साग तोड़ने के लिए जाएगी, तो पहले यहाँ पे काम अभी कर ले रही है, और साथ में हम भी कर दे रहे दोस्तों। और अभी धूप क्या हुआ है, अच्छा लग रहा है। यही प्याज हम लोग रोपे हुए थे दोस्तों, देखिए। और वे प्रीति जी कोड़ रही है, और प्याज को हम लोग कोड़ते हैं ताकि दोस्तों बैठता है बड़ा बड़ा ना, और इसको कोड़ना भी होता है। जैसे आलू में पास लगाते हैं दोस्तों, वैसे भी प्याज में पास लगाना होता है। और प्रीति जी 4-5 बार इसको कोड़ना पड़ता है प्याज को। और देखिए इधर मम्मी कोड़ के गई थी एक पारी, अभी बकरी के पास गई है मम्मी, और इधर प्रीति कोड़ने के लिए आ गई है, उधर एक पारी कोड़ना है। और आज का मौसम देखिए कितना अच्छा किया हुआ दोस्तों, कितना सुहावना मौसम है। और वहाँ पे प्रीति जी भी प्याज कोड़ रही है, एकदम पूरा अभी शांत शांत सा मौसम है। दोस्तों कोड़ना हो गया है, देखिए दोस्तों कोड़ लिया, सारा कोड़ के कंप्लीट कर दिया मेरे धर्मपत्नी जी और साथ में हम भी। और दोस्तों अब चले साग तोड़ने के लिए, साग तोड़ने के लिए जा रही है। देखिए साथ में मोनी भी लेकर आई थी, और अभी दोपहर में बनाएगी खाना दोस्तों। और बज चुका है दोस्तों 12:30 बज चुका है। चलो जी, बहुत तेज धूप लग रहा है आज क्या। और कुदाली यहीं रख देते हैं कि ले जाएं? यही कुदाली से हम लोग कोड़ते हैं दोस्तों। दोस्तों बारी आ चुके हैं, और देखिए प्रीति जी अभी साग तोड़ रही है, भतुआ साग दोस्तों, इसको हम लोग स्पेशल खरथू साग भी बोलते हैं। और इसका आज भाजिया बनाने वाली है, खाने में बहुत अच्छा लगता है भतुआ साग। पूरा बारी में ही साग है, देखिए जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक साग ही साग है, ये भतुआ साग। और लेकिन जलन गया साग, इसमें लगाए हुए मटर सिम लगाए हुए हैं, परस बीन भी लगाए हुए हैं, और देखिए भतुआ साग कितना सुंदर लग रहा है देखने में दोस्तों। और प्रीति जी तोड़ रही है, उतना ही तोड़ेगी कि और तोड़ेगी? पूरा भर के तोड़ेगी, पूरा भर के तोड़ेगी आज, नहीं एक कढ़ाई पूरा बनाना है नहीं। हाँ, गल के थोड़ा सा हो जाएगा ना। दोस्तों तोड़ना हो चुका है साग, और अब चलिए घर। देखिए इतना सारा साग तोड़ी हुई है, और अब घर जा रही है। चलो जी चलेंगे घर, इधर से पास हो पाएगी? हाँ। हो जाएगी। दोस्तों बारिश आने के बाद मेरी धर्मपत्नी जी आग जला के चावल चढ़ा दिए, और चावल बन चुका है लगभग, बस थोड़ा देर में बन के रेडी हो जाएगा। और उधर देखिए अभी प्रीति जी अब साग ले ले रही है, और अब जा रही है साग धोने के लिए जा रही है। चावल सीज गया जी? सीज गया ना, अब पसाओ चावल। अब जा रही चावल पसाने के लिए, चावल बन चुका है।
इसके बाद साग को धोएगी, उसको निकाल दिया, उधर गिर जाता है इसीलिए ना। चलो अच्छा किया, आराम से पसाना, कितना बार जल चुकी है तो हाथ जल जाती है। माड़ पसा रही है प्रीति जी, माड़ पसाने के बाद अभी साग धोएगी। देखो बोले ना आराम से पसाना। चावल पसाने के बाद अब जा रही है साग धोने के लिए प्रीति जी, और उधर कढ़ाई भी चढ़ा दिए दोस्तों। और देखिए थोड़ा साग को थोड़ा अच्छे से धो लेना है, बढ़िया से अभी धो रही है ये डब्बा में, दो तीन बार धोएगी। और साग भात खाने में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। साग को बढ़िया से धो लिया और अब काटने के लिए जा रही है। देखिए अभी साग को काटेगी, और ये भथुआ साग है दोस्तों, हम लोग इसको खरतूस साग भी बोलते हैं अपने गांव में। और इसका पकोड़ा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, भथुआ साग का पकोड़ा। देखिए अभी काट रही है प्रीति जी, अभी ठंडा नहीं लग रहा है जी, स्वेटर खोल नहीं, दी, धूप निकला हुआ है इसलिए धूप निकला हुआ इसलिए कम ठंडा लग रहा है ना। रात के पास यही तो फायदा होता है लकड़ी वाला चूल्हा में, खाना जब बनाओगे तो खाना खाने में भी स्वाद लगता है और ठंड के मौसम में भी अच्छा लगता है, अच्छा लेकिन लगता गर्मी है। मौसम में फिर बहुत गर्म लगता हाँ गर्मी के मौसम में थोड़ा दिक्कत होता है, झेलना पड़ता है। है। दोस्तों देखिए साग को अच्छे से काट लिया, और साथ में लहसुन और हरा मिर्च, और साग में लहसुन और हरा मिर्च देते तो खाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और अब जा रही है, कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, पहले चढ़ा के रखी थी, अब तेल बहुत डाल ज़्यादा रही है, गर्म बहुत हो गया तो ज़्यादा गर्म हो गया जी। है। वो कढ़ाई में तेल डाल दिया, अब थोड़ा सा जीरा डाल रही है, और देखिए तुरंत चटचट आ गया। और अब साग डालने के लिए जा रही है, सारा साग डाल दिया। अब इसको अच्छे से पहले भून लेगी, थोड़ा सा भूनने के बाद अब स्वाद अनुसार मेरे धर्म पत्नी जी नमक डाल दे रही है। देखिए नमक डाल दी, और साग का भाजी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है दोस्तों। और इसको भी थोड़ा देर के लिए ढक दिया, तो सीझ जाए अच्छे से। दोस्तों भथुआ साग का भाजी बन गया है, और चलिए भी आप लोगों को दिखाते दोस्तों कि कैसा बना हुआ है। देखिए दोस्तों भथुआ साग का भाजी, और कैसा बना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और खाना बहुत ही अच्छा लगता है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। और अब जा रही उतारने के लिए, दोस्तों खाना बन चुका है, इधर साग भी बन के रेडी हो गया, और चावल पहले बन चुका था दोस्तों। और अब चले खाने के लिए साग भात, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों खाने में साग भात। और अब जा रही है मेरी धर्म पत्नी जी खाना लगाने के लिए। आज का वीडियो बस यहीं रखते हैं, और इस चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जवाहर।